down AO Radio, Sanvi 96.4. जी नमस्कार प्रणाम, सुन रहल बानी रेडियो सानवे 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सानवे 96.4 मेगाहर्ज के कार्यक्रम स्थानीय सरकार लेके उपस्थित हो चुकल बानी सन। और अभी कही ना कि स्थानीय तह के निर्वाचन सम्पन्न होके मतगणना के काम चल रहल बा, और अंतिम मतगणना के काम हो रहल बा। बहुत जगह मत परिणाम सार्वजनिक हो गइल बा। नया जनप्रतिनिधि लोग भी अपने लोग के स्थानीय तह में आ चुकल बा। लोग बहुत जगह शपथ ग्रहण के कार्यक्रम भी हो चुकल बाटे। और हमनी अब स्थानीय सरकार में विशेष करके जे नया स्थानीय तह में निर्वाचित भइल बा लोग, उ लोग के अंतर्वार्ता में लियावे के कोशिश कर रहल बानी सन। अभिन स्थानीय तह के चुनाव अबगे सम्पन्न भइल बा, और उ लोग के विजन का बा, आगे विकास निर्माण के कहिना कि अवस्था का बा, एक बारे में जानकारी लेवे के हमनी कार्यक्रम में कोशिश करम सन। कार्यक्रम के साथ में हम बानी राम मंडल, प्रवधि में सानू जी बानी, और आज हमनी के अतिथि बानी कार्यक्रम में वीरगंज महानगर पालिका के नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष जितेंद्र यादव। वहाँ वडा नंबर 31 से अभी चुनाव जीत के वडा अध्यक्ष में निर्वाचित भइल बानी, नया बानी। इससे पहले वहाँ नेपाली कांग्रेस जीतले रहे, नेकपा एमाले से वहाँ निर्वाचित भइल बानी वडा अध्यक्ष में वीरगंज महानगर पालिका के वार्ड नंबर 31। और वहाँ से आज हमने बातचीत करम सन वहाँ के अगाड़ी के दिन के योजना का रहल बाटे, कथी विकास के सोच बनैले बानी अपन वार्ड के विकास के, एकरा बारे में बातचीत करम सन। और हमनी के साथ में जुड़ चुकल बानी वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 31 के नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष जितेंद्र यादव, वहाँ से बातचीत कर लिया। जितेंद्र जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद बा जी। सबसे पहले अपने के बधाई बाटे नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष बानी, और आगे क्या सोच ले बानी, विकास के एजेंडा के तरह विकास निर्माण के काम करे के अपने के सोच रहल बा वडा में। सबसे पहले अपने आज वीरगंज महानगर पालिका वाड़ा नंबर 31 के समसामूहिक हमनी के निर्वाचित भइलक बाद में वीरगंज महानगर पालिका के अंतर्गत में हमनी के काका करमसन कह के जो बात अपने जाने के चाहतनी, पक्के रूप से हमनी के जनता के आशा भरोसा पर हमनी के स्थानीय लेवल में होके वाला काम वड़ा स्तर मार्फत बहुत सारा काम बड़ा, जैसे हमनी के शिक्षा स्वास्थ्य तो हमनी के विकास निर्माण के काम ये सब बातें मैंने सबसे पहले प्राथमिकता हमनी के बेलवा 31 वार्ड अंतर्गत हमनी के 8 गो स्कूल बाटे अपने के 11 गांव में, वो हमनी के सबसे पहले हमनी के शिक्षा में हमनी के जुड़ रही। हमनी के शिक्षा गुणस्तर शिक्षा के पहुंचा मने हमनी के मिली कह के सबसे पहले हमनी के शिक्षा में हमनी जोड़ देम सन। ओकरा बाद में हमनी के स्वास्थ्य भी बा, हमनी के स्वास्थ्य चौकी भी हमनी के वार्ड स्तर में पड़ पाते, हमनी के समय पर उपचार यानी कि अतिम गरीब असहाय लोग हमनी के सेवा खूब, हमनी के गर्भवती के वायरन चौकी, हमनी के घर घर समय पर केंग मिली, ये हमनी के एकरा के प्राथमिकता के आधार पर हमनी के एकरा के हम ये गाड़ी सरले बनी सन जी। शिक्षा के बात अपने कहनी है, 11 गो गांव बाटे, बहुत बड़का वार्ड बा, 11 गो गांव बाटे, 8 गो स्कूल बा, और अभी देखल जाता है कि सामुदायिक शिक्षा के लेवल बहुत कम बा। महानगर पालिका ही हो गए वडा नंबर 31, फिर भी सामुदायिक विद्यालय में विद्यार्थी के ना गईल, शिक्षक के कमी भइल, एक चलते लोग बोर्डिंग स्कूल में पढ़ावता। अब बोर्डिंग स्कूल के छोड़ के सरकारी स्कूल में लोग के पढ़ावे के कॉन्फिडेंट के तरह लिया है अपने। अभी क्या बात है कि वास्तव में जो बात खोजे के चौनी है, वास्तव में हमने के बोर्डिंग स्कूल के
ही अभिभावक लोग और बच्चा के काय लोग कौन वोट करता, कहीं ना कहीं हमनी के जोन हमनी के दायित्व बा शिक्षा में, जोन हमनी के शिक्षक लोग जोन उ लोग के जिम्मेवारी बा उ लोग बहन नहीं के कर सकत, हमनी के जोन एगो टाइमली जोन उ लोग के जोन लड़का लोग के जोन शिक्षा देवे के चाही, चाहे जोन हमनी के सेवा सुविधा अनुसार गुणस्तर शिक्षा में कह के मतलब जोड़ देवे, कहीं ना कहीं वो हमनी के देखनी सन। अभी हमनी के ग्रामीण जोन एथी में जोन स्कूल सभा कहीं ना कहीं जी वार्ड स्तर में कहीं ना कहीं कमी बाटे, एक चलते हमनी के प्लान हमनी के बोर्डिंग स्कूल में होता है गुणस्तर शिक्षा मिले नहीं के सकत, हमनी के ये टाइमली लोग आवे नहीं के सकत, चाहे हमनी के बहुत सारा किस्म के यहाँ कमी देखल गई बा, तो हमनी के सब पर सुधार करम सन। जैसे हमनी के वहाँ स्कूल में टीचर लोग के मानिए कि जे का कमी बाटे, हमनी के पूरा स्कूल के हमनी के अपडेट हम राखेम सन, हमनी के ये गो स्कूल में जो नीमा भी बा माँ भी बा में शिक्षक के दरबंदी कितना, हमनी के अगर शिक्षा के पर हमनी के जोर देता नहीं सन तो पहले सबसे पहले काछा कोठा विद्यार्थी के जनसंख्या पर हमनी के टीचर लोग के भी हमनी के वहाँ बहाली होके पड़ल, हमनी के महानगर पालिका के निकाय से हमनी के बात करम सन, हमनी के टाइमली हमनी के टीचर लोग हमनी के जोन उन लोग के 10 से जोन 5 बजे के जोन ड्यूटी आवर बाटे उ लोग कहे के मतलब वो अपन ड्यूटी निर्वाह करो लोग, हमनी के अच्छा से अच्छा पढ़ाओ लोग कहे के मतलब, हमनी के सारा चीज के हमनी के ओकरा के हमनी के एगो प्लानिंग तो हमें हमनी के शिक्षा पर हमनी के अगाड़ी एगो कुछ प्लानिंग कैले बनी सन, हमनी के प्रत्येक स्कूल के हमनी के हेड मास्टर प्लस शिक्षक लोग के हमनी के एगो बैठक रखे सन, हमनी के यहाँ के अपने के स्कूल के का समस्या बाटे, अपने के यहाँ शिक्षक कमी बा कि अभिभावक के बच्चा नहीं के देवे सकत वहाँ कमी बाटे, इस सारा चीज के हमनी के एगो सर्वपक्षीय हमनी के बैठक रह के यहाँ से कमी बेसी हमनी के एक सलाह सुझाव लेके महानगर पालिका से करे वाला चीज हमनी के महानगर पालिका से पहल करम सन, हमनी स्थानीय लेवल से करे वाला चीज हमनी के स्थानीय लेवल से करम सन, ये सब चीज भी हमनी के प्लानिंग तो हमें हमनी के जब पद बारण जब हमनी के हुई तो संबंधित हर एक स्थानीय लेवल के निकाय वाला लोग हमनी के बैठा सन, स्कूल के व्यवस्थापन समिति हेड मास्टर और अब शिक्षक अभिभावक लोग के भी बैठा के हमनी के एगो हमनी के अगर समीकरण करके गाड़ी के बढ़ल जाए, ये सब में हमनी के जोड़ रही जी शिक्षा हो गई स्वास्थ्य के बात कहनी है, 11 गो गांव बा वहां स्वास्थ्य चौकी शायद परसौनी बेलवा में जोन स्वास्थ्य चौकी बा वहां कहीं ना कि बहुत ज्यादा लोड पड़ेला एगो स्वास्थ्य चौकी बा, तो ओकरा के विशेष करके अब बढ़ावे के पड़े कि का करे के पड़े ओकरा संबंधी का बा विचार अपने। ये बात बहुत अच्छा बात रखनी है, जैसे वास्तव में 11 गांव के बीच में वो हमनी के स्वास्थ्य चौकी भेड़ियाई गांव में बाटे, कहीं ना कहीं हमनी के बच्चा लोग के जोन हमनी के खोप खोप वाला बात होता गर्भवती के जोन हमनी के आयरन चौकी जोन हमनी के चेक जांच जोन हो रहा बाटे, ये क्या बाटे कि हमनी के तो सोच बाटे कि गांव गांव टोल टोल में हमनी के खोप वाला काम हमनी के गर्भवती जोन आयरन चौकी विभिन्न सारा किस्म के समय समय पर एगो शेड्यूल अनुसार में, जैसे हमनी के का बा कि एगो भेड़ियाई स्वास्थ्य चौकी होते हुए भी हमनी के जैसे बेलवा गांव में हमनी के जोन टीका चाहे हमनी के जोन खोप जोन जी हमनी के लेवे नहीं सन, हमनी के तो हमनी के इस्लामपुर के लोग के कहीं कहीं दू गो तीन गो गांव के भेला करा के आ हमनी के उ लोग जो सेवा हमनी के देवे नहीं सन, तो बहुत बहुत लोग छोटा छोटा बच्चा लेके लोग जोन आवे नहीं लगे उ लोग के हमनी के जो दुख देखे नहीं सन, चल के डेढ़ घंटा दू दू घंटा जो पैदल आके जो एगो सेंटर बनावल बा हमनी के खोप केंद्र बनावल बा उ चीज हमनी के यहाँ हमनी के स्वास्थ्य चौकी के इंचार्ज लोग से हमनी के पहल करम सन उ लोग से आग्रह करम सन हमनी के कम से कम एगो टाइम मिली, जैसे लक्ष्मीपुर गांव में बाटे तो अपने वहाँ खोप देवक बा चाहे जो हमनी के टीटी विभिन्न सारा किस्म के जो सेवा देवक बा एगो टाइमली बना के वहाँ अपने पहुंची इस्लामपुर पहुंची नया टोल पहुंची परसौनी पहुंची यानी कि घर दैलो में एगो वहाँ का व्यवस्था हमनी के स्थानीय लेवल से हमनी के सहयोग हुई उ सारा चीज हमें सहकार्य करम सन, यानी कि गांव में हमनी के सेवा देवे वाला काम हमनी के अब दू गो तीन गो गांव के बीच में स्कूल में लाइन लगा के मानिए कि जो स्वास्थ्य चौकी के मार्फत जो सेवा मिल रहा बा हमनी के तंगा थोड़ा फराकिलो किस्म से हमनी के स्थानीय लेवल में जो हमनी के जिम्मेवारी मिलल बा कुछ हमनी के फर्क दिखाए के चाहत है हमनी के जनसंख्या बेसी बा वार्ड नंबर 31 में जनसंख्या बेसी भइला के चलते इससे पहले हम स्वास्थ्य चौकी में गइल रहन त स्वास्थ्य चौकी के स्टाफ लोग से एगो हमरा बात का मिलल कि यहाँ केहू स्वास्थ्य चौकी जे सुई देवेला अहेबा लोग टिक ही ना सकेला लोग काहे कि इतना ना ज्यादा सुई देवे के पड़ जाला इतना ना बेसी प्रेशर हो जाला कि स्वास्थ्य चौकी में अहेबा लोग के टिकल मुश्किल हो जाला जैसन वहाँ के गुनासो हमरा करत रहे लोग खास करके एकरा के जैसे अन्य जगह भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापना करे के
पहल, जैसे कि सोलापुर में ऐसे भइल रहे महानगर पालिका के हिसाब से। जी जी, ये बात सही बात बाटे। वास्तव में जो बात रखनी है, जैसे वास्तव में घाना बस्ती यानी कि 11 गांव बीरगंज महानगर पालिका में बहुत बड़ा घाना बस्ती भइला चलते हमने के कर्मचारी भी कमी के चलते हमने के जो सुई देवे वाला हमने के पुगे नहीं के सकत लोग कहीं ना कहीं कर्मचारी यहाँ अपुग बा। वही बात हम कहनी है कि जो हमने के एकरा के सिस्टम में केंग रखल जी हमने के कि स्वास्थ्य चौकी में हमने के अभी तक ले जोन 5 गो 6 गो जोन हमने कर्मचारी वालों के 11 गांव में भय नहीं के सकस। हमने के लोग धौ धौ हो रहा बाटे, कोनो किसिम के हमने के समय पर सुविधा कह के मतलब नहीं के मिले सकत जनता के, तो का है तो कर्मचारी कमी बा। इस चीज हमने के महानगर पालिका से हमने के स्वास्थ्य जोन हमने के थी बा यूनिट बा ओकरा से शाखा से हमने के बात करम से शाखा से कि वास्तव में 11 गांव में यहाँ कर्मचारी के थप देव पड़ल कि घर घर इस सेवा टीम में पूरी कह के ई सब चीज भी हमने के प्लानिंग करते हैं। 5 गो 6 गो कर्मचारी लोग आवे हमने के उ सब लोग इंचार्ज मिल के भय नहीं के सकती चीज अपने जो जाके जो एगो आभास के नहीं अनुभव के नहीं पक्के ही बात सही है। ये चीज हमने को ठप हमने के कर्मचारी के हमने के पूर्ति हुई इस सब चीज पर हमने के वहाँ स्वास्थ्य हमने के शाखा से हमने के सर लोग से आग्रह करम सन की एकरा के व्यवस्थित बना देव पड़ल। इस सब में हमने के छल फल करम सन हमने के जैसे इस शिक्षा स्वास्थ्य हो गई। अब खास करके भौतिक विकास में अन्य पालिका 5 वर्ष पहले हमने देखनी सन सबसे बेसी बजेटिंग भौतिक विकास रोड नाला में भइल रहे, खास करके हरेक वार्ड स्थानीय तह तो में। अभी 5 वर्ष में खास करके अपने के वार्ड में वैसा भइल रहे कि कैसन बाटे अपने के नजर में? अब एक पहले भी जो निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष रहनी वो अपना तरीका से अपना सिस्टम से तो काम कोई नहीं, वहाँ भी काबा की जो महानगर पालिका बड़ा वार्ड होते हुए भी यहाँ थोड़ा काबा की जो बजट के जहाँ बात बा बजट बहुत छोट यानी कि रकम में यहाँ उपलब्ध होकर था। जो 11 गांव के हमने के बारम्बार बोल रहा बा ऐसा हमने के 5300 हमने के जो हमने के जो अभी जो चुनाव भइल का हमने के स्थानीय चुनाव खाली जी वो लोग मतदाता नामावली हमने के 5300 बा वोटर फिलावल जा। जी हेलो जी, जी के चलते हमने के जोन जी उ लोग के पछाड़ी तो हरे एक जने एक वोट के पछाड़ी तो कमती में 4 जने 5 जने परिवार वालों लगभग लगभग बहुत ज्यादा जनसंख्या जी बहुत जनसंख्या बहुत ज्यादा बा। इसे हमने के कहा बटे की जे हमने के इस सरकार से हमने के बीरगंज महानगर पालिका के से भी हम आग्रह करम सन की अनुसार में हमने के जो घाना बस्ती जनसंख्या के आधार पर हमने के बजट विनियोजित होके के पड़ल। हमने के हरेक गांव के हरेक मनिए की जे टोल में बहुत सारा हमने के रोड नाला धर्मशाला विकास निर्माण के जो भौतिक विकास निर्माण के जो काम बा कहीं ना कहीं बजट से होके वाला भाई रकम से होके वाला भाई छोटा रकम से 11 गांव भ्याय वाला स्थिति नहीं है। और विगत वार्ड के वड़ाध्यक्ष जी अपना कार्य अवधि में अब अपना तरीका से कोई नहीं कहाँ तक ले जनता के मन के बीच में छुए सकनी ना छुए सकनी वहाँ के पाठ बाटे हमने के पाठ कुछ अलग बाटे। अब स्थानीय जो सरकार बनता बनल बा ओकरा बाद में जब हमी के जब हमने के बीरगंज महानगर पालिका के माथत हमने के वहाँ एक वार्ड पड़त हटे तो हमने के आग्रह रहे कि कम से कम जनसंख्या के आधार में हमने के एगो बजट मिलो कि हमने के हरेक गांव में हरेक लोग के हरेक मोड़ में हरेक हमने के बाटो घाटो हमने के धर्मशाला रोड स्कूल हमने के स्वास्थ्य चौकी हरेक चीज में हमने के पहुंच हुई के हमने के अच्छा हुई कह के इस चीज पर हमने के छल पर करम सन आग्रह करम सन कि हमने के घाना बस्ती भैया पर थोड़ा बजट के करा के थोड़ा में तरह ज्यादा करा के अमाउंट रख दे पर बढ़ाए पड़ल कह के ये चीज तो बा जी। जैसे कि इससे पहले जनता लोग जे महानगर के बासी लोग वालों जे 16 गो वार्ड गभाई बा ओकरा बाद महानगर बनल बा उ 16 गो वार्ड के जनता के अपने के वार्ड भी गभाइल बाटे उ जनता लोग के शिकायत का रहे कि टैक्स बहुत ज्यादा हो गई कर एकदम ज्यादा हो गई सुविधा बहुत कम बा लेकिन करे कर इ करे ला दाइल बा। अब रौरा निर्वाचित भइल बानी ऐसे पहले बोर्ड मेंबर होके इ कर के पुनरावलोकन कइल जरूरी देखत हानी कि ना? ये बात सही बात बा। आज बड़ा हमनी के जोन कर में जोन हमनी के लिप्त हो गई बानी सन बहुत भार जोन हमनी के एकरा के महसूस कर पानी सन। वास्तव में हरेक कर के दायरा जोन बा ग्रामीण जो क्षेत्र बाटे वास्तव में आज बड़ा हमनी के
कृषि के खेती के बात कही हमने के कि नदी नाल से हमने के पूरा बालू से पूरल जगह बाटे, फिर भी हमने के महानगर पालिका में होते हुए भी जो हमने के जो मालपुर जो हमने के जो कर बात पर पर कठा के 40 रुपया मैंने यानी कि बीघा के 800 तुम्हें अपने के 800 के हमने के साल में खरई भी ना होला, जैसे खर काट के हमने के घर छावनी से ना होला, फिर भी हमने के मापदंड में पड़ल बहन की प्रत्येक वर्ष में हमने के बीघा के 800 हमने के बुझाए के पड़ला। ऐसा ऐसा चीज से हमने के दुखित बानी सन, गांव घर के लोग हमने के दुखित बानी सन। हमने के बीरगंज महानगर पालिका में खेत होते हुए भी हमने क्या बटे की जे अपन शिक्षा में अपन बेटी बहन के ब्याह शादी में घर बनावे खातिर वो चीज हमने के जगह रखे तो हमने के कोनो बैंक ना रखी, मैंने कर जहाँ तक तो बाटे वो कर हमने के दे के पड़ता है, बाध्यता बाटे एकरा के भी हमने के भूतभोगी बानी सनी। 5 बरस 72 साल के विगत चुनाव के बाद में जो हमने के ये कर के जो दायरा बढ़ावल गई कहीं ना कहीं हमने के दुखित बानी सन। आज अगर हमने के जन्मदाता के बात कहल जाए, बियादाता के बात कहल जाए, हमने के गाँव में भी हमने के जी वाते बढ़ गई बा एकरा के समीकरण करके एकरा के न्यूनतम कम से कम किंग हुई। आज अगर तो गरीबी हमने के गांव देहात के लोग बन 500 रुपए कमाए के उमे चाउर दाल मनिए की जे किन के खाए के बा उमे भी सब किस्म के एगो छोटा सा सिफारिश करावे हमने को वार्ड कार्यालय में जाता निशान तो कहीं ना कहीं 200-500-800 लाग रहा होगा। घर बाटो के सिफारिश करावे जाई अपने के तब तो हजार से कम लेके टाइम तो ना हुई घर बाटो में तो ना हो सकी एकदम ही सब जगह के जो नहीं प्रमाणित कराओ तो नहीं कहीं ना कहीं का बात है की जो पूरा हमने के देहात के थपल मनिए की जो रकम मैंने किसान लोग पर हमने के गरीब पर जो लाद के जो बीरगंज महानगर पालिका में हमने के तो पुगे 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 खाते पुगनी सन मैंने हमने के भी आज बड़ा बीरगंज महानगर पालिका गाँव देहात के गावला पर भी हमने के जनता खुश नहीं के आज तो कोर इतना ना भैट लदा गई बाकी हमने के ऊपर ये छोटा सा सिफारिश कराओ जाता नहीं सन तो बड़ा पैसा पर हमने के छपा जाता नहीं सन। एक के भी हमने के जब बोर्ड कमेटी बैठी हमने के जब हमने के निर्वाचित जो हमने के मेयर साहब हुई हमने के वार्ड कार्यालय के भी सारा लोग हमने के बोर्ड कमेटी बैठी लो ये पर हमने के शब्द हमने के शेयर करम सन हमने के कि न्यूटन में करा के हमने के कर हमने के लोग पड़ल करे में जब जनता के दाब देव अपने तो विकास का कर सकम कह के कि हमने के पहल के और जी महानगर के हमने के 31 नंबर बा पहले गावी से साबिक रहे खास करके देखला पर अभी भी उहे स्तर में बा थोड़ा सा स्तर उन्नति 5 साल में थोड़ा सा तनका सुख तो भइल बा फिर भी एकरा के अब 5 साल में एगो महानगर के बड़ा या फिर उप महानगर के बड़ा बनावेला अपने के प्रतिबद्धता रहे कि ना रहे जी ये तो बात बा अब तो का बा कि अब यहाँ तो महानगर पालिका में भी अपने जोन बात ही रखल गई ख कहीं ना कहीं जो हमने के पहले जो गावी से रहे गाँव पालिका रहे पहले हमने के साबिक साबिक पहले गावी से नमूना गावी से बेलवा रहे उकरा बाद में बीच में हमने के गाँव पालिका भइल हमने के बेलवा गाँव पालिका भइल बेलवा गाँव पालिका में भी हमने के देखल जाओ जनसंख्या के आधार में 4 नंबर वार्ड और 7 नंबर गाँव पालिका बेलवा भइल में के हमने के 11 गाँव में फिर भी जो महानगर पालिका में गभाइल हमने के तो पूरा हमने के बेलवा के 2 गो वार्ड के उठा के हमने के महानगर पालिका में गाब देवल गई फिर भी वो अनुसार में हमने के सुख सुविधा महानगर पालिका में होते हुए भी हमने के सुख सुविधा हमने के अभी अनुभूति करता की हमने के बहुत जीर्ण अवस्था में बाईस हमने के जनता लोग भी हमने के अभी दुखित बाटे की महानगर पालिका में होते हुए भी हमने के अनुभूति नहीं के मिल सकत की हमने के महानगर पालिका में हो गई सन कहे मतलब कहीं ना कहीं दुख के बात बा एकरा के कहे मतलब जोन हमने के दायरा जोन बा बजट के दायरा जोन बा एकरा के बढ़ाए के पड़ल सुख सुविधा जनता के ना देम तो खाली बीरगंज महानगर पालिका में गाव से गावला से ना हुई हमने के यहाँ से कर भैट उठा के आ महानगर पालिका में खाली थुपार दिल से ना हुई इस सब चीज से भी हमने के एकरा के किंग निराकरण हुई है पर हमने के छल पल कोई जरूरी बाटे अपने के माध्यम से रेडियो के माध्यम से हमने के का आग्रह करे के चाहे सन हरेक निकाय हरेक सरकार लोग से जो हमने के जनसंख्या के आधार पर हमने के 11 गांव में हमने के 8 गो स्कूल बा स्वास्थ्य चौकी बाटे हमने के सशस्त्र बेस कैंप बाटे हमने के एगो स्वास्थ्य चौकी हमने के मिलन चौक बाटे सब जो निकाय से बड़ा सन एमे चीज बुझ जाए के पड़ल एमे एगो छूटे को थप में हमने के एकरा के अगाड़ी बढ़ाए खातिर हमने के हरेक निकाय से हम आग्रह करम सन की पर ध्यान सब मनिए कि निकाय के रहो कि हमने के जनता भी अनुभूति करो महानगर पालिका में होते हुए भी हमने के बहुत सरल और सहज रूप से हमने के काम मने होताटे और हमने के बजट के काम से भी हमने के सब गांव में छूने गरी रोड नाला धर्मशाला ये सब होत होकता को एक मतलब ना तो सीमित बजट से हमने के 5 वर्ष के अवधि में एगो स्थानीय वार्ड के बजट से हमने के पूरा बह ना सकी ये चीज हम अपने के मार्फत हम कहे चाहते हैं फिर बिना बयान गुना से हुई कि 5 वर्ष में वड़ा दस कैलन कथी वास्तव में अपने के
सीमित मैंने बजट में, एक साल आर्थिक बजट में अपने के 60 लाख 70 लाख के बजट में हम तो 11 गांव तो ना कर सकते हम जी। फिर भी हमारे फिर वही जनता रोल रह जाए 5 लाख भी फाट लगे वो लोग के पास नहीं नहीं के पुग सकत ना मिलावल ना जा नहीं के पुग सकत। बरसात के समय में जब बरसात हो जाए तो हमने ये कहा बटे की जे पूरा गांव गांव हिलो हिलो पाके पाके बटे चले तो बात जी एक बात भेड़ा खोला के तट बंद निर्माण के खातिर हो गई बा शायद ठेका कई भेड़ा खोला सबसे बेसी वार्ड नंबर 31-30 में क्षति करता आ रहा बा उकरा विषय में खास करके ठेका शायद हो चुकल हमने के सुनाई में देता एकरा के शुरू करावेला राउर प्रतिबद्धता आओ एकदम बात हमु भी सुन ले बानी कि जे महानगर पालिका द्वारा 42 करोड़ रुपया का एक मतलब बेलवा लालपरसा बगही के अमुशैली के जो बीच में जो नदी नाल से जो हमनी के क्षति होके काटे ओकरा खातिर तटबंध करे खातिर हमनी के नेपाल सरकार द्वारा हमनी के 42 करोड़ रुपया हमनी के छुट्टी आवल बाटे अनि पक्के हमनी के विश्वास करम सन कि समय पर ई बरसात के यानी कि जेठ आषाढ़ के पानी से पहले हमनी के पूरा गांव के सुखी रहो हमनी के जनता के अच्छा से रहो कहे के मतलब एकरा पर हमनी के ला के हमनी के आए अपना जगह से हमने के फास्ट में मानिए कि बरसात के समय में ये तटबंध हो जाओ कह के मतलब हमने के भी आग्रह रही ये भी हमने के टेंडर भी साइट करीब करीब दूगो से थी वो लोग कंस्ट्रक्शन वाला लोग ले ले बाबू काठमांडू कहीं भी हम सुनी जान ज्वाइंट वेंचर में वो लोग सरकार के लिए वालों जितेंद्र जी हमने अंत में मानी सुन अंत में जनता से क्या कहे के चाहे एक दो दिन में अपने लोग पद बार ग्रहण भी करम लगन शपथ ग्रहण करम लगन वडावासी से अंत में क्या कहे चाहे रेडियो मार्फत हम बीरगंज बेलवा 31 के प्रत्येक वाड़ावासी जनता समाज से भी लोग के और गज हमनी के नेता लोग से हम का आग्रह करे के चाहे कि हमनी के जोन जिम्मा मिलल बा कहीं ना कहीं विगत 74 साल के 5 बरस के वड़ाध्यक्ष के से हमनी के ये अपने लगन के जब हमनी के पद बाहर जोन मिली तो पक्के निश्चित रूप से हमनी के एगो फरक काम करके देखायम सन और अपने लगन के बीच में एगो हमनी प्रतिबद्धता देखायम सन कि कहीं ना कहीं वास्तव में जोन मेहनत करके जोन एगो सच्चा ईमानदार योग्य कर्मठ व्यक्ति के जोन अपने लगिन वार्ड में छन्नी कहीं ना कहीं हमनी के वैसन एगो सोच बा प्लानिंग बा सब बड़ बुजुर्ग युवा लोग के हमनी के साथी लोग से सलाह करके वार्ड के मार्फत जितना से जितना हमनी के सरल सहज और निष्पक्ष निस्वार्थ रूप से काम होके खातिर हमर सबसे पहिलका हमर प्राथमिकता में ही हमारे वार्ड के हमारा जो जिम्मा दिल बालू के करके हम करें कहते हुए भी जी धन्यवाद जितेंद्र जी व्यस्त समय के बावजूद भी अभी आराम कर रहा मान लू दौड़ धूप के रनी है लगन अभी आराम मिलल बाटे चलिए अच्छा से योजना बनाई रेडियो में आईनी एक खातिर रेडियो सानवी के तरफ से हम राम मंडल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा अपने के भी सानवी एफएम के और राम मंडल जी के अपने के प्रकार के जो समय हमरा के देनी बहुत बहुत अपने के धन्यवाद बाटे और नमस्कार बा जी जी महारानी नव निर्वाचित वडा अध्यक्ष बीरगंज महानगर पालिका 31 के आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुका अभियान फिर से ये समय पर दोसर विषय वस्तु के साथ आयो के वादा करत अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद टेक्निकली सपोर्ट के खातिर सानू के धन्यवाद देत राम मंडल के विदा दी नमस्कार।